यहां मैं पढ़ना चाहूंगा कि हर किसी के द्वार पर यूं ही काबिज रहे, डरना जरूरी है। अगर हम स्वयं डरेंगे तो और कुछ हो या ना हो, कम से कम औरों के लिए डरावने नहीं होंगे। डर हमारा बैरी नहीं, हितैषी। तो डर को लेकर के आमतौर से जो हमारे मिथोलॉजी में डर को लेकर के बार बार कथानकों में ये बुना गया कि डरो डरो इसलिए ये काम करो, लेकिन यहाँ पर उस डर को हितैषी बताते हुए अर्पण कुमार कह रहे हैं। ये एक नया प्रयोग मुझे लगता है, क्योंकि अभी तक तो जितने भी मिथकी संदर्भों को पढ़ा गया या व्रत कथाओं को पढ़ा जाता है तो उसमें बार बार डर जो है वो वाकई डर के संदर्भ में, अभिधा के संदर्भ में आता है। तो इसलिए इस कविता की ये पंक्तियाँ मुझे महत्वपूर्ण लगती हैं। एक कविता है रंग, उसमें कई शेड्स हैं, रंग के कई शेड्स हैं। उसका जो तीसरा हिस्सा है वो मुझे बहुत मार्के का लगता है। सुभाष राय जी मौजूदा समय में उम्मीद जताती हुई ये कविता है। लिखते हैं अर्पण भाई, जब अपने आप को पक्के समझने लगे कच्चे रंग, ध्यान दीजिएगा, तब तुम कुछ नहीं कर सकते उन्हें स्वयं फीका होने देने के अलावा। कच्चे रंग उतरेंगे साथी एक दिन समय की बूंदों के साथ भूलकर। तो ये जब कच्चे रंगों का चढ़ावा आजकल चल रहा है, उन कच्चे रंगों का उतरना एक न एक दिन लाजिम है, और उसकी उम्मीद जताती हुई ये कविता रंग है। आप को मैंने बताया कि प्रेम कविताएं लिखी, गमछा पे लिखा, गांव पे लिखा, रंग या डर को लेकर के लिखा, लेकिन ये सिर्फ देशज या राष्ट्रीय आग्रहों के कवि ही नहीं है। अर्पण कुमार ने केन सारो विवा पर भी एक कविता लिखी है। आप जानते हैं कि नाइजीरिया के मानवाधिकारवादी थे जिन्हें कि पुलिस शासन ने 10 नवंबर 1995 को फांसी दी थी। उन्हीं केन सारो विवा पर लगते हुए एक अलग सुर की कविता इस संग्रह में आती है, जो मानवाधिकारों के पक्ष में खड़ी कविता है। और वह कवि जो मानवाधिकारों के पक्ष में खड़ा है हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण और काम का कवि। इन कविताओं के अलावा, क्योंकि समय का दबाव है, मैं इनकी जो महत्वपूर्ण कविता है उससे अपनी बात खत्म करूंगा। वो जिस पे शीर्षक है वो कविता है सह अस्तित्व। इस संग्रह का शीर्षक ही है सह अस्तित्व। सह अस्तित्व कविता शिवमूर्ति जी हम लोगों के लिए बड़े काम की। अच्छा है कि इसका शीर्षक सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व में कुछ पंक्तियां आई हैं, फिर वे कौन हैं जो मार दे रहे हैं लोगों को बिना कांपे क्षण भर को, जिन्हें पसंद नहीं है बोली बानी, जिन्हें स्वीकार नहीं है अलग अलग रंग, जो नहीं चाहते हैं अंतरिक्ष पर खिले कोई इंद्रधनुष। ये जो व्यक्ति का मारा जाना है ये हमारे समय की सबसे कठिन पंक्ति है। और आप देख रहे हैं कि जो लिंचिंग का पूरा समय चल रहा है, ये इसमें कभी भी किसी को भी मार दिया जा सकता है। जब व्यक्ति ही देश हो जाता है और व्यक्ति की आलोचना पे या किसी के रंग पे, रूप पे, धर्म पे, जाति पे, संप्रदाय पे, भाषा पे अगर आप लिंचिंग करने लगते हैं तो वो समय सबसे कठिन हो। इसलिए अगर कोई रंग को देख करके मार दे रहा है तो यह सबसे कठिन समय है, और इस कठिन समय को यह कविता अभिव्यक्त करती है। यही नहीं, सह अस्तित्व का जिस तरह से समापन करते हैं वो इस संग्रह का, जैसे गांव से शुरुआत हुई बड़ी खूबसूरत सी, वैसे ही इस संग्रह का समापन भी बेहद खूबसूरत है कि कुछ चीजें और कुछ विचार रह सकते हैं साथ साथ, कि विरोध और विरोधियों को केंद्र में रखकर ही तो सह अस्तित्व की संकल्पना बनी है, कि हमें किसी के अस्तित्व को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं, कि किसी और को मारकर मरता है
हमारे भीतर का इंसान ही कि किसी और को नष्ट कर हम कब तक बचाए रख सकते हैं भला अपना अस्तित्व। तो अगर हमें अपना अस्तित्व बचाए रखना है, हम अपने अस्तित्व को अक्षुण बनाए रखना चाहते हैं, तो ये जो नफरत की दीवार है इसे गिराना हो। ये जो जानलेवा संस्कृति चल रही है, मारने मरने की संस्कृति चल रही है, उससे आगे बढ़ना होगा। विरोध को, असहमति को लोकतंत्र में स्वीकार करना बेहद जरूरी है। असहमतियों की सहमत, विरोध की आवाज को सुनना, यही शायद लोकतंत्र की सबसे ज्यादा खूबसूरती, और उस खूबसूरती को बचाए रखेंगे तभी सह अस्तित्व बन सकेगा। अर्पण कुमार जी, आपको इस संग्रह के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके पहले भी 3 संग्रह आ चुके हैं, ये आपका 4th संग्रह है। मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्दी आप, मैंने जिन चिंताओं का उल्लेख किया है, इन चिंताओं को लेकर के अपनी कविता की धार को और पैनी करते हुए और भी कविताएं लिखेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा ही वोट करके साथ।